हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो एसबीआई पीओ का अभी पेपर चल रहा है। 20 तारीख के 4 शिफ्ट, 21 तारीख के भी 4 शिफ्ट आज खत्म हो चुके। अब बचे और 4 शिफ्ट जो है 27 तारीख को, 27 नवंबर को होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ आज जो शिफ्ट हुए हैं चारों, उसके एनालिसिस, कैसे पैटर्न थे, कैसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए, शिफ्ट वाइज कितना बच्चों का एक सेफ और गुड अटेम्प्ट्स बोल सकते हैं हम विद एक्यूरेसी, वो चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए, और जिन लोगों ने पेपर दिया है ऑलरेडी वो लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं उनके अटेम्प्ट्स, एक्यूरेसी। बहुत सारा ऑलरेडी डेटा आ चुका है, लेकिन जब आपके 12 शिफ्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम उसकी तरफ देखेंगे कि क्या टेंटेटिव कट ऑफ हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले जो देखते हैं कि आज का जो पहला शिफ्ट था, मतलब 9 से 10, जो 8 बजे रिपोर्टिंग वाला, उसका पेपर कैसा था। तो सबसे पहले बात करेंगे जो रीजनिंग, तो रीजनिंग में लगभग यहाँ पे अच्छा खासा पेपर था, इजी टू मॉडरेट। अगर ओवरऑल की बात करेंगे, पजल की अगर हम बात करेंगे, तो 20 क्वेश्चंस यहाँ पे थे, मॉडरेट थे। अब पजल्स की मैं हमेशा जो बात करता हूँ, हमेशा बच्चों को भी जो बताता हूँ, उसमें एक चीज होती है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप आइडेंटिफाई जल्दी कर सको कि आपका ये पजल जल्दी कर सकते हो या नहीं, मतलब डुएबल है या नहीं। ओके, क्योंकि एक दो पजल कभी कभी ऐसे होते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ज्यादा होते हैं, तो उसमें आप फंस ना जाओ, तो ये बहुत जरूरी था। लेकिन इसमें जो पजल्स आए थे जो फर्स्ट शिफ्ट में अगर बच्चों ने दिया है, तो वो लोग भी रिलेट करेंगे कि कुछ कुछ पजल्स पजल्स जो थे वो इजी थे। ओके, और कुछ कुछ जो पजल थे वो मॉडरेट लेवल के थे, जैसे कि मंथ बेस एक पजल था जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और कुछ वेरिएबल और कलर दिए थे। वैसे 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद में रो बेस सिटिंग था जिसमें 7 लोग साउथ में देख रहे या फिर 7 लोग जो है नॉर्थ में, तो सिटिंग अरेंजमेंट वाला पेपर था, ये डुएबल था। ओके, और ये अच्छा खासा था। उसके बाद में सिलेक्शन बेस्ड पजल, ओके, जिसमें डिपार्टमेंट मार्केटिंग और मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी उसमें डिपार्टमेंट्स थे, और सब में बताया गया था कि 2 मेंबर, 4 मेंबर एक में रहेंगे, तो ये अच्छा खासा डुएबल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 3 ही क्वेश्चंस थे। ओके, तो यही बात भी इंपॉर्टेंट है कि जो डुएबल थे वो रो बेस्ड सिटिंग था। उसके बाद में ये जो आपका जो डिपार्टमेंट लेवल मतलब सिलेक्शन बेस्ड जो था वो भी डुएबल था, लेकिन उसमें 3 ही क्वेश्चंस थे, तो ये चीज अच्छे से आप याद रखना जब भी आप सॉल्व करोगे। ओके, उसके बाद में और एक था, वो बॉक्स प्लस वेरिएबल था, जो 6 बॉक्स वहां पे थे दिए हुए, और 5 क्वेश्चंस इसमें से, और आखिरी जो था वो द अनसर्टन बेस पजल जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो मॉडरेट लेवल का था। आप अगर जल्दी से जल्दी डुएबल जो भी पजल्स होंगे वो आप जल्दी से जल्दी कर लो, तो शायद से आपको जो मॉडरेट लेवल के उसको भी टाइम मिलेगा। उसके बाद में सिलॉक्स के जो थे 3 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, इजी टू मॉडरेट थे, अच्छे खासे डुएबल थे और जल्दी जल्दी भी हो रहे थे। उसके बाद में इनइक्वालिटी के बहुत इजी क्वेश्चंस थे कुछ कुछ। ओके, उसके बाद में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था जिस 3 क्वेश्चंस थे। ओके, वो भी इजी टू मॉडरेट डुएबल थे। कोडिंग, नंबर पेयरिंग और मीनिंगफुल वर्ड के एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे थे, वो भी इजी टू या फिर इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते। तो ओवरऑल पेपर जो रीजनिंग का था वो इजी टू मॉडरेट। अगर फर्स्ट शिफ्ट से बच्चों से मैंने जो भी मुझे रिव्यूज मिले, तो रीजनिंग अच्छा खासा अटेम्प्ट हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब वो आपको मैं आगे बताता हूँ कि कितना अटेम्प्ट हुआ है बच्चों का। ओके, ऑन एन एवरेज की बात करूंगा मैं। ओके, लेकिन यस, रीजनिंग ठीक था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा लेंदी था, लेकिन डुएबल था। यस, कुछ जो पजल्स थे वो लेंदी थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। उसके बाद में बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये बहुत ज्यादा लेंदी थे। आज अगर मैं चारों शिफ्ट की बात करूंगा तो चारों बच्चों से एक ही रिव्यू ज्यादा मिले हैं, वो है कि एप्टी जो था वो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस या फिर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। बहुत से बच्चों ने मैसेज करके भी बताया कि 15 ही अटेम्प्ट हुए सर, 14 हुए, 16 हुए, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 14 से 20 में अटेम्प्ट किए हैं, और ज्यादा बच्चों ने 22 से ज्यादा अटेम्प्ट मैंने किसी से ज्यादा सुने नहीं है। अगर किए होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन एप्टी जो था वो बहुत ज्यादा लेंदी था। ओके, उसमें आप अगर बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट में अगर जो बच्चों ने पेपर दिया था वो रिलेट करेंगे कि अप्रोक्सीमेशन सिर्फ ऐसा था कि जो बहुत फास्ट हो गया। ओके, तो अप्रोक्सीमेशन जो था 6 क्वेश्चंस वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, इजी थे और सॉल्व भी जल्दी हो रहे थे। ओके, उसके बाद में मिसिंग नंबर सीरीज था, वो भी इजी टू मॉडरेट था, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे 5 उसमें से क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी पुट अप कर दिए। ओके, जो भी बच्चों ने बताया उसके साथ में। ओके, उसके बाद में ये कुछ अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चंस थे, वो भी ठीक ठाक थे, लेकिन आपको टाइम तो लग ही रहा था।
उसके बाद में बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का एक था जो मॉडरेट लेवल का था, उसके बाद में मेल्स एंड फीमेल्स एम्प्लॉयज का एक लाइन चार्ट डीआई था, उसके बाद में टेबुलर बेस्ड डीआई था वाइट, मतलब उसमें टोमेटो दिए हुए थे, ओके कितने परसेंट टोमेटो जो है वो मतलब जो नहीं बिकेंगे जो सड़े हुए बोलते हैं, ओके और जो अच्छे टोमेटो वो बिकेंगे तो उसमें केजी की सेलिंग दिया था, ऐसा कुछ पेपर था, पेपर में जो है डीआई था टेबुलर का वो दिया हुआ था, वो थोड़ा बहुत डुएबल था लेकिन टाइम बहुत ले रहा था, बच्चों ने यही बताया कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, कुछ कुछ क्वेश्चन के तो स्टेटमेंट भी लेंदी थे, ओके तो ये चीज भी सामने है उसमें। उसके बाद में अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम इसमें इजी थे, कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत टाइम ले रहे थे इसलिए मॉडरेट था। बोर्ड स्ट्रीम का इसमें प्रॉब्लम था जो हमेशा आता है वो भी थोड़ा बहुत इजी था, एवरेज के तो हमेशा होते, एज का था तो ऐसे 10 लगभग यहाँ पे अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स थे, ओके तो ये था फर्स्ट शिफ्ट में एप्टी का पेपर। उसके बाद में बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी इसमें ठीक था, ओके इंग्लिश का जो था वो आरसी जो हम बोलते हैं उसमें 7 से 8 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जिसमें कोकोनट ट्री या पैसिफिक ओशन पे वो जो आपका आरसी था, उसके बाद में उसमें भी सिनोम्स मतलब कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड दिया था, इंटरपोलर ऐसे वर्ड्स दिए हुए थे उसका पूछा था, और यस आरसी भी ठीक ठाक था। उसके बाद में जो एरर डिटेक्शन की बात करेंगे तो एरर डिटेक्शन के 5 से 6 क्वेश्चंस थे, वो भी इजी टू मॉडरेट थे, वर्ड स्वैप के ये क्वेश्चंस थे, ओके जिसमें आपको 3 वर्ड्स दिए हुए थे मेरे ख्याल से, तो बी ए सी ए बी सी, तो आपको स्वैपिंग करके उसको सिर्फ मतलब उसको अरेंज करना था सही जगह पे सही लोकेशन पे, ऐसे क्वेश्चंस थे। उसके बाद में उसके बाद में वर्ड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चंस थे कुछ, ओके उसके बाद में क्लोज टेस्ट था इसमें एक, ओके 5 क्वेश्चंस इसमें थे, तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। इसमें से अगर बात करेंगे तो जो वर्ड स्वैप का था बी ए सी ए बी सी, वो हम मान सकते कि इसमें सबसे ज्यादा इजी वो था, क्लोज टेस्ट भी ठीक ठाक था, ओके लेकिन क्लोज टेस्ट भी ज्यादा मतलब बड़ा पैसेज था वो, ओके तो यस पेपर ठीक था ये, ओके तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट की गुड अटेम्प्ट्स की, अभी ये चीज है कि एक चीज याद रखना, 2019 की बात करूंगा मैं, अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं खैर अभी बात नहीं करने वाला, लेकिन जस्ट आपको एक बता देता हूँ कि उसमें 71 कट ऑफ गया था, वही अगर हम बात करेंगे तो उसके अगले साल की तो 58 गया था, तो एक ही चीज आपको बताऊंगा कि 71 तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ओके 71 तो बिल्कुल नहीं जाएगा, बाकी कितना जा सकता है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे 12 जो शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद, लेकिन गुड अटेम्प्ट्स अगर फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करूंगा तो 23 से 26 क्वेश्चंस जो बच्चों ने किए हुए थे वो एवरेजली थे, ओके उसके बाद में इंग्लिश का भी बच्चों ने 22 से 24 तक एवरेजली अटेम्प्ट किया है, और एप्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 18 से 22 तो है लेकिन 14 से लगभग मुझे 18 में भी बच्चे बहुत ज्यादा मिले हैं, ओके लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट 63 भी नहीं, आपका 60 और 70 के अंदर है और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे आपके चांसेस है, ओके चांसेस है, वो भी अगर आपका 60 से भी कम है 59 58 भी होगा तो भी आप ऐसा मत समझो कि आपके चांसेस नहीं है, ओके कुछ भी हो सकता है ये पेपर जो है उसमें, ओके तो ऐसा आप समझ के चलिए, ओके और एक चीज नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा भी थोड़ा बहुत फैक्टर करता ही है, ओके नॉर्मलाइजेशन क्योंकि 12 शिफ्ट्स में पेपर होता है तो थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे इफेक्ट जो है करेगा, ओके तो 60 से 70 जो अटेम्प्ट्स अगर आपके हैं इसके बीच में और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, ओके सी जितने आपके कम अटेम्प्ट है उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए, और अगर आपके 70 वगैरह अटेम्प्ट है तो थोड़ा बहुत आपका एक्यूरेसी में होता है चलता है। और एक चीज अभी बच्चों से जो भी रिव्यूज ले रहा हो तो एक चीज तो फिक्स होती है हमेशा याद रखना कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी एक्यूरेटली ये नहीं बता पाएगा कि आपके 100% सही है, ओके कोई भी बच्चा तो उसमें थोड़ा बहुत चलता ही है क्योंकि बोल नहीं सकते, इंग्लिश ही एक ऐसा सेक्शन होता है जिसकी एक्यूरेसी हमें पता नहीं होती पेपर देने के बाद मोस्टली, ओके हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चन याद रहते हैं लेकिन जो बाकी क्वेश्चन से या फिर सेंटेंस या फिर एरर डिटेक्शन वो सारी चीजें हमें याद नहीं होती है, तो इसलिए इंग्लिश थोड़ा वेरिएबल सेशन से या हम बोल सकते हैं सेक्शन, तो इसलिए ज्यादा उस बारे में मत सोचो। अभी जो भी आपके अटेम्प्ट हुए अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है आपको याद है तो आपका या आप ऑलरेडी मेंस के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दो। ऑलरेडी मैंने ये भी बता दिया है कि 60 तक भी आपके आसपास होंगे अटेम्प्ट और अच्छी एक्यूरेसी होंगे तो भी आप ऑलरेडी पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। अभी आईबीपीएस पीओ भी है, उसके बाद क्लर्क भी है, बहुत सारे एग्जाम ऑलरेडी इन लाइन पे, ओके उसके बाद में बात करेंगे सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग था,
उसके बारे में। तो सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग था वो मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा बहुत लेंदी था रीजनिंग, ये भी बच्चों ने बताया। इसमें 26 क्वेश्चंस पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में से अगर हम देखेंगे तो अनसर्टन एक पजल था जिसमें नॉर्थ डायरेक्शन दिया, तो इसमें 6 क्वेश्चंस थे। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, 4 नॉर्थ फेसिंग 4 साउथ फेसिंग, इसमें 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद में डे बेस्ड पजल था, मंडे टू सैटरडे, और उसमें वेरिएबल्स भी दिया, फ्री फूड दिया हुआ था। और 5 क्वेश्चंस इसमें से थे। उसके बाद में फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल जो था वो था आपका लगभग यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, और ईयर बेस्ड जो था वो आपका 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए थे। तो ये जो था ये मॉडरेट लेवल का था, मैंने जैसे आपको बताया पेपर। सिलॉक के जो थे प्रॉब्लम, इसमें 3 क्वेश्चंस थे, 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाला। इनइक्वालिटी के जो थे वो 2 यहाँ पे क्वेश्चंस थे। उसके बाद में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 3, और कोडिंग के 1, तो टोटल यहाँ पे 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद में बात करेंगे हम एप्टी की। तो एप्टी में जो था इसमें डेटा इंटरप्रेट मतलब डीआई का जो था वो पाई चार्ट दिया हुआ था, सिंगल पाई चार्ट, 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद में टेबुलर डीआई था जिसमें अर्बन और रूरल की परसेंटेज में वैल्यू दिए थी, तो उसमें 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद में इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस शिफ्ट में आए थे, सेकंड शिफ्ट में, जिसमें 5 क्वेश्चंस थे। अप्रोक्सीमेशन 6, एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स इसमें खासकर ज्यादा थे, 14 क्वेश्चंस लगभग वहां पे थे, तो 35, 14 तक क्वेश्चंस थे। तो 35 ऐसे क्वेश्चंस थे, तो ये मॉडरेट लेवल का था। एप्टी पूरे दिन का जो था वो मॉडरेट लेवल का ही था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो गया था। हाँ, आखिरी शिफ्ट में मुझे फोर्थ शिफ्ट में कुछ बच्चों से रिव्यूज आए कि थोड़ा बहुत उनके अटेम्प्ट, मतलब ऐसा भी नहीं कि उनके 25 हो गए, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट बढ़ चुके हैं। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करेंगे सेकंड शिफ्ट में, तो आरसी जो था वो 6 से 7 यहाँ पे जो थे आपके क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट था ये भी। उसके बाद में पैराजम्बल जो है उसमें 5 क्वेश्चंस थे, एरर डिटेक्शन के 5। उसके बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट जहाँ पे 3 सेंटेंस पूछे गए थे, तो इजी था ये। डबल फिलर्स था जो भी, वो भी एक इजी था। मैच द कॉलम इसमें सबसे इजी था वो। उसके बाद में कनेक्टर के थे वो भी इजी टू मॉडरेट थे। तो टोटल इंग्लिश जो था डुएबल था अच्छा खासा। आप 20-25 क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो 30 मिनट में, सॉरी 20 मिनट में। तो 30 ये थे क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट था। बात करेंगे सेकंड शिफ्ट का भी, जो हमने रिव्यू देखा उसके हिसाब से गुड अटेम्प्ट, रीजनिंग 22 से 24 थोड़ा बहुत लेंदी था लेकिन डुएबल था कि आपको 22 से 24 आपके हो जाएंगे। इंग्लिश जैसे मैंने आपको बताया 20 से 25 या फिर 21 से 23 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। एप्टी का आगे जैसे 20 से 22 इज वेरी गुड अटेम्प्ट, बहुत अच्छा, उससे कम होगा तो भी चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और एक चीज जो आपको पता ही है कि एसबीआई के अंडर जो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है उसको वैसे भी मैं ज्यादा मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि सेक्शनल ना भी हो आपको तीनों में जब आप अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक ही इसमें 10 मिलेगा और आप बाकी इसमें कवर कर जाओगे, सो ये नहीं होगा ज्यादा। यस, लेकिन एप्टी था, एप्टी थोड़ा डिफिकल्ट था, तो जो बच्चों को एप्टी लग रहा है डिफिकल्ट तो सबको ही डिफिकल्ट था, ऐसा आप ज्यादा मत सोचिए। तो ओवरऑल ही डिफिकल्ट था, तो वो उसके स्कोर्स भी तो कम ही आ रहे हैं। तो यस, 62 से 69 सेकेंड शिफ्ट इज वेरी गुड अटेम्प्ट, इसके आसपास भी है तो भी अच्छी बात है, एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो पूछे गए थे वो थे आपके जो थे रीजनिंग के। थर्ड शिफ्ट में अगर बात करूंगा तो इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चंस थे, उसके बाद में सिलॉक के 4, उसके बाद में डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 3, लेटर बेस क्वेश्चन 1, पेयरिंग वर्ड का 1, मंडे टू सैटरडे जो डे बेस विथ वेरिएबल जो पजल था उसके 5, फ्लैट एंड या फ्लोर एंड फ्लैट का 5, उसके बाद में बॉक्स पजल 5 और सर्कल बेस पजल जो है वो 5, तो ऐसे टोटल मिला के 35 क्वेश्चंस थे। इसमें से कुछ कुछ पजल जो थे इजी थे, जैसे कि सर्कल बेस ठीक था, बॉक्स बेस पजल थोड़ा टाइम ले रहा था बच्चों ने जो बताया, उसके बाद में फ्लोर एंड फ्लैट जो था उसमें भी टाइम लग रहा था। 9 बॉक्स जो पजल मैंने आपको बताया, 8 सर्कल का भी जो आउटसाइड इनसाइड वाला था तो वो भी थोड़ा बहुत ठीक था, ड्यूएबल था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर हम इजी की बात करेंगे तो सिलॉग इजी था, ब्लड रिलेशन भी ठीक था, डायरेक्शन डिस्टेंस भी ठीक था, इनइक्वालिटीज के भी ठीक ठाक थे क्योंकि वो होते हैं और पेयरिंग वर्ड वगैरह तो होता ही है। उसके बाद में एप्टी की बात करेंगे तो जो इसमें आया था रॉन्ग नंबर सीरीज आया था, 5 क्वेश्चन जो पूछे गए थे इजी टू मॉडरेट। उसके बाद में अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो थर्ड शिफ्ट में रिपीट वापस से हुआ था, तो 5 क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के। अरिथमेटिक 10 आए थे, इसमें भी सारे एज
उसके बाद में आपका परसेंटेज, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सारे प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद में यस, टेबल का जो था डी आई, वो लंच एंड वाटर बॉटल पे दिया हुआ था एक, जिसमें 6 क्वेश्चंस थे। इजी था, डुएबल था, बहुत से बच्चों ने वो अटेम्प्ट किया अच्छे से। उसके बाद में बार डी आया था, वो एटलास प्लस डिक्शनरी बुक्स का, इस पे था, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन थे। कैसलेट जो था वो 5 क्वेश्चंस का था, मॉडरेट लेवल का था, तो वो थोड़ा बहुत टाइम ले रहा था। उसके बाद में अप्रोक्सीमेशन इसमें था, वो 6 क्वेश्चंस का था। अप्रोक्सीमेशन हमेशा डुएबल ही होते हैं, हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी एक आध क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, लेकिन डुएबल होते हैं। ओके, उसके बाद में बात करेंगे हम जो इंग्लिश लैंग्वेज का था थर्ड शिफ्ट में, तो इसमें जो था रीडिंग आरसी जो आपका था वो लेटर सिक्योरिटी पे था, जिसमें सिनोम्स भी थे कुछ कॉम्प्रोमाइज, या फिर एक दो एक हाथ फिलर भी पूछा गया था। 9 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट का था, कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हो, जैसे कि सिनोम्स या फिर फिलर भी ठीक था उसमें दिया हुआ। उसके बाद में क्लोज टेस्ट इसमें आया था, फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में आपको क्लोज टेस्ट जो आया था इसमें था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पे ये क्लोज टेस्ट था। 7 क्वेश्चंस इसमें थे, मॉडरेट लेवल के थे। ओके, उसके बाद में वर्ड स्वैप 5 क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट थे, इजी भी बोल सकते हो। एरर डिटेक्शन के भी 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। सेंटेंस यूजेस यस यूसेज का एक जो 4 क्वेश्चन थे वो भी काफी ठीक ठाक थे, डुएबल थे। तो 30 क्वेश्चन इसमें से ऐसे पूछे गए थे। उसके बाद में गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट, ओके तो थर्ड शिफ्ट की अगर बात करेंगे तो एप्टी, अगेन मैं आपको वही बता रहा हूँ, 19 से 21 इज वेरी गुड अटेम्प्ट, उससे कम है तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक गुड अटेम्प्ट बता रहा हूँ। उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी है जो यहाँ पे 24 तक 25 तक आपके अटेम्प्ट है, बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। इंग्लिश भी 20 से 25 या 23 से 25 आपके अगर है, और आपकी अच्छी एक्यूरेसी है 62 से 69 विल बी दी गुड। ओके, तो टोटल ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट था। फोर्थ शिफ्ट जो आखिरी शिफ्ट की मैं बात करूंगा, उसमें जो रीजनिंग था उसके बारे में बात करेंगे, तो इसमें 20 क्वेश्चंस थे पजल सिटिंग अरेंजमेंट पे, जिसमें अगर हम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे अगर हम फोकस करेंगे तो ईयर बेस वाला था, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। रेक्टेंगल वाला था, उसमें 5 क्वेश्चंस थे। कंपैरिजन पजल का था एक, 5 क्वेश्चंस। क्लासिफिकेशन प्लस 2 वेरिएबल्स एंड 1 पर्सन का था, ये भी ठीक ठाक था, 5 क्वेश्चन मॉडरेट। तो एक दो पजल इसमें मॉडरेट थे जिसको टाइम लग रहा था, बाकी आपके डुएबल थे। सिलॉक्स की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। चाइनीज कोडिंग इसमें आया था फोर्थ शिफ्ट में, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। नंबर का एक था वो 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन पे एक, उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड और पेयरिंग पे एक एक क्वेश्चन था, वो भी काफी इजी था, डुएबल था। उसके बाद में जो एप्टी था इसमें, वो मिसिंग नंबर सीरीज इसमें आया था 4 क्वेश्चन, ओके इजी था, वो भी ठीक ठाक था। उसके बाद में एरिथमेटिक में जो कंपाउंड इंटरेस्ट एज, मोस्टली एरिथमेटिक में जो पूछे गए मतलब पैटर्न थे, टाइम एंड वर्क आता ही है, एज जो एज का है आता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता ही है, बोट एंड स्ट्रीम आता ही है, रेलवे मतलब जो ट्रेन का है वो भी आता ही है, मिजरेशंस के भी एक आध दो दिख जाते हैं। तो ओवरऑल जो है एरिथमेटिक में आपको ऐसे एवरेज पे तो आता ही है, तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल हर एग्जाम में दिख जाएंगी। तो इस एरिथमेटिक में ऐसा नहीं था कि कुछ आपको अलग कुछ इससे क्वेश्चंस दिखेंगे, तो यही सारी इसमें से क्वेश्चंस आपको, प्रोबेबिलिटीज भी एक आध में आ चुका है। उसके बाद में इसमें जो डीआई था वो राइस लाइन ग्राफ टेबल जो था उसपे डीआई जो राइस पे था, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, इजी था, वो भी ठीक ठाक था, डुएबल था, मेनली इजी मतलब तुरंत होने वाला। पाई चार्ट डीआई जो था 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद में कैसलेट जो मैप पे था उसमें 5 क्वेश्चन थे, ये थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। अप्रोक्सीमेशन इजी था, 6 क्वेश्चन। तो यस, फोर्थ शिफ्ट में थोड़ा था अच्छा खासा एप्टी, मतलब मैंने अगर पूरे चारों शिफ्ट में मिला के देखा तो ऐसा नहीं कि एप्टी इसमें भी बहुत ईजी था, लेकिन हाँ तीनों शिफ्ट के कंपेरिजन में थोड़ा बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट ठीक था। ओके ठीक था, तो ऐसा नहीं है किसी बच्चे का कम भी हो सकता है, तो ज्यादा इसमें सोचो मत, टेंशन मत लो। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, इसमें जो पूछा गया था वो था विंड पे आया हुआ था एक आरसी, ओके जिसमें फिलर्स भी थे, सिनोम्स ड्रॉ पे ड्रॉ का पूछा था, 8 क्वेश्चंस लगभग थे, इजी टू मॉडरेट था, क्लोज टेस्ट था। लेकिन इसमें जो था फोर्थ शिफ्ट में क्लोज टेस्ट पे जो ऑलरेडी बोल्ड में नाम दिए हुए थे बोल्ड में, ओके आपको उसको रिप्लेस करना था वर्ड, मतलब जो भी आपके ऑप्शंस में होगा, हर एक मतलब जो भी मेरे ख्याल से 7 क्वेश्चंस थे, तो 7 आपको रिप्लेस करने थे। ठीक था, मॉडरेट था वो भी। और शायद ये भी होता है कि जब आपको क्लोज टेस्ट फिल इन करना पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा
आपको टाइम लगता है, लेकिन जब आपको रिप्लेस करना होता है तो थोड़ा आप सिमिलर वर्ड वर्ड ढूंढ के उसका आप अच्छे से रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट में 5 यहाँ पे क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट था वो भी, एरर डिटेक्शन था, ड्यूएबल था 5। एरर डिटेक्शन मेरे ख्याल से हर पेपर में बच्चा करता ही होगा, लेकिन एक चीज होती है उसमें कभी कभी एक आध क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस, तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ इंग्लिश आप बता नहीं सकते, कभी कभी आपके थोड़े बहुत निगेटिव जा सकते हैं। मैच द कॉलम जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे, ये भी थोड़े बहुत इजी थे। ओके, तो 30 ये टोटल क्वेश्चन थे। फोर्थ शिफ्ट की अगर बात करेंगे तो है 22 से 24 आपके एप्टी, ओके जो रीजनिंग था सॉरी, ओके 22 से 24। उसके बाद में आपका एप्टी इसमें 22 तक हुआ है, अच्छी बात है, एप्टी ठीक था इसमें से, जैसे मैंने आपको बताया। इंग्लिश जो है 21 से 23 विल बी गुड अटेम्प्ट, तो ओवरऑल की मैं बात करूंगा तो 64 से लेकर 70 विल बी द गुड अटेम्प्ट। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है ना वेरिएबल है, मतलब आप देखोगे थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कहीं पे एवरेजली अटेम्प्ट देखे तो बच्चों का थोड़ा बहुत ज्यादा होता है 1-2 मार्क्स से, कहीं पे कम होता है, तो ये सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन में क्लियर हो जाती है। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका उस शिफ्ट में अच्छा अटेम्प्ट हुआ है, यानी पेपर के हिसाब से, पेपर के हिसाब से। ओके, अगर आपका किसी डिफिकल्ट शिफ्ट में पेपर के हिसाब से आपका अटेम्प्ट 60 हुआ है, वही किसी बंदे का अगर कोई इजी फील्ड इजी मतलब उस पेपर के हिसाब से 70 हुआ है, इसका मतलब आपका 60, मतलब ये तो 70 बहुत ज्यादा हो गया, 65 पकड़ के चलो, क्योंकि उतना गैप नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन का, एसएससी जैसा नहीं होता है इसमें, तो 60। और अगर किसी बच्चे का 64 या 65 है, 70 तो नहीं पकड़ेंगे, तो अगर उतना है इसका मतलब ये है कि दोनों अपनी जगह पे सही है, दोनों अपनी जगह पे सही है, दोनों ने सही से अटेम्प्ट किया, तो ये चीज होती है नॉर्मलाइजेशन जो बहुत जरूरी है। ओके, और वो होता ही है, उसका टेंशन आप मत लो, बाकी जो भी है आपका प्रिपरेशन जारी रखो, मेंस के लिए प्रिपरेशन करो, जो भी बच्चों के मैं अभी भी बता रहा हूँ 58 से भी ऊपर है आपके, और अच्छे एक्यूरेसी है 58 के ऊपर आपकी, पता है आपको आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है 60 के ऊपर, तो टेंशन ही नहीं, एक्यूरेसी होनी चाहिए मेनली, बाकी आप ज्यादा बच्चों के अटेम्प्ट में मत जाओ। अगर किसी बच्चों के 80 हुआ है गुड परसेंटेज से तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो वो तो नहीं होगा, तो ये सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, आपका कितना हुआ ये देखो, पेपर कैसा था ये सारी चीजें देखो, और पिछले कट ऑफ पे मत जाओ, क्योंकि आपको मैं कुछ रीजन उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला रीजन तो ये है कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आईबीपीएस से भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते, आईबीपीएस में पीओ में बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकलती है, एसबीआई पीओ में 2000-3000 ऐसे बहुत कम वैकेंसीज निकलती है, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट गिरता है। ओके, उसके बाद में सेकंड ये भी होता है, अटेंडेंस भी मैटर करता है, पेपर का जो डिफिकल्टी, अभी आप अगर 2019 का कंपेयर करोगे, 2019 का और ये पेपर 2021 का अगर मैं कंपेयर करूंगा तब का एनालिसिस, 2019 का पेपर बहुत बहुत ज्यादा इजी था, इससे भी मतलब ये इजी नहीं था, लेकिन इससे काफी इजी था, इसलिए 71 गया। ओके, थोड़े बहुत वैकेंसीज तो सेम ही थे, लास्ट ईयर भी 58 थे, तो इस बार भी आपको उतने, तो लास्ट ईयर भी 58 ही कट ऑफ था, तो इस बार भी आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा, यस ये हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन 71 तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और खैर ये सारी बातें हम टेंटेटिव कट ऑफ की बातें हम बाद में, जब आपका 12 जो शिफ्ट है आपके चारों बचे हुए शिफ्ट भी खत्म हो जाएंगे पूरा एनालिसिस के साथ, बाकी बच्चे कमेंट करो जिनका पेपर हुआ है, और आपका जो भी मतलब अगर इसमें कुछ होगा कि जो छूट गया होगा वो भी आप डाल सकते हो, क्योंकि जो भी चीजें मिलती है और जो बच्चों से रिव्यूज मिलते हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको जो भी चीजें है वो बताई है। तो बाकी 27 तारीख जिनके पेपर बचे हैं उनको ऑल द बेस्ट, बाकी बच्चे जो भी उनको पता है कि बहुत अच्छा हुआ है, या फिर थोड़ा बहुत उनको 50-50% भी, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पूछते हैं कि सर मैंने 60 अटेम्प्ट किए और मेरे 95% एक्यूरेसी, तो मेरा क्या होगा, तो ये 50-50 वाला होता है, आप बता नहीं सकते हो ये सारी चीजें, तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू करो, क्योंकि आईपीपीएस पीओ और क्लर्क भी रनिंग में है, और शायद आपका एसबीआई भी हो जाए। ओके, सो यस ये था पूरा एनालिसिस रिगार्डिंग दी कंप्लीट जो रिव्यू था आज का। ओके ओके, तो अगर आपको कुछ है, आपके पास और जानकारी है तो आप डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट आपके जो भी अटेम्प्ट्स है वो भी डालो। और एक चीज, मेरे ख्याल से ऑल योर बोर्ड पे जो है वो जो मतलब जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का भी ऑलरेडी उन्होंने एक ये बता दिया है, मतलब मॉक टेस्ट उन्होंने क्रिएट कर दिए है, तो वो जाके आप दे सकते हैं जो भी 27 तारीख को, या फिर जो बच्चों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट किए वो भी वापस जाके वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि आपकी आईबीपीएस पीओ की भी आपको तैयारी करनी है,
और आपको आईबीपीएस क्लर्क की भी अगर आप फॉर्म भरे हो तो उसकी भी तैयारी आपको करनी है, तो आप वो जाके भी वहां पे कर सकते हो। ओके तो यस, ये था कंप्लीट एनालिसिस। बाकी अभी जो 27 तारीख के जो भी एनालिसिस होंगे वो मैं आपको उसी दिन दूंगा जब अच्छे से रिव्यूज मेरे पास आ जाएंगे, और उसके बाद एक टेंटेटिव कट ऑफ का हम डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है। ओके क्योंकि ये सब चीजें टेंटेटिव ही होती है। ओके तो यस, बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि ऐसे ही आपको बाकी सारी चीजों का भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ओके सो यस, थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।